तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत आप सभी का टेक्नी इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे लाइव वॉलपेपर ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज अगर आप अपने फोन में करते हैं तो आपका फोन पहले से ज्यादा काफी स्मार्ट लगेगा और दोस्तों आपको ये लाइव वॉलपेपर काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये लाइव वॉलपेपर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमें कपड़ों में सितारे देखने को मिलते हैं वो चमकते हैं, उसी तरीके का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आप इस पर अपना फिंगर रखते हैं और इसे उल्टा करते हैं तो यहाँ पर भी आपको अलग कलर में सितारे देखने को मिलेंगे जो कि अब उल्टे हो चुके हैं। और अगर आपको इसी तरीके से रखना है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। काफी अमेजिंग इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है और काफी अच्छी चमक मिलती है। अब जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, जैसे कि अगर आपको मैट रखना है तो आप मैट रख सकते हैं, ग्लॉसी रख सकते हैं, या फिर जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो नीचे वाला है, तो मैंने वहीं पर रखा हुआ है। उसके बाद हमें और भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्माइली लगा सकते हैं, इमोजी, तो आप इमोजी पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जैसे कि हम बैक आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको इमोजी देखने को मिल जाएंगी, तो अगर आपको ये इमोजी पीछे की साइड पर रखनी, मतलब बैक साइड पर रखनी, तो आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पर इसे करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एकदम सिंपल दिखेगा जो पीछे का हिस्सा है। और अगर आपको मान लीजिए ये इमोजी आपको बैक साइड में रखनी है तो आप बैक साइड में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए दोबारा से सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको ये टिक हटा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, सो इमोजी फेस, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें बैक आ जाना है, तो अब जैसे कि मान लीजिए आप इसे टच करेंगे तो आपको पीछे के साइड पर इमोजी देखने को मिलेगी। तो ये इमोजी में भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। हो सकता है आपको कैमरे में ज़्यादा अच्छा ना दिख रहा हो ये, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करते तो ये आपको काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट देने वाला है। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका जो इफेक्ट है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, तो हम सेटिंग्स पर जाते हैं और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है। तो आप अगर आप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्वालिटी भी हाई रख सकते हैं, पहले मैंने हाई करके रखा हुआ है। और टच साइज भी आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जो आपका टच साइज होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इसे इस तरीके से बढ़ा देंगे तो जब आप क्लिक करेंगे इस तरीके से ऊपर स्वाइप करेंगे या नीचे करेंगे तो आपका जो टच साइज होगा वो ज़्यादा जगह घेरेगा। तो जैसे कि हम मान लीजिए अब आपको करके दिखाए थे तो थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और ये वॉलपेपर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको भी ये लाइव वॉलपेपर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वॉलपेपर पसंद आता है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उसे बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये महाराज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ घंटी के आइकन को भी दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।